अब सोचो तस्वीर से उठ के वो हमारे डाइनिंग टेबल पे मतलब 3D होके बैठी है और हम उसके साथ बैठ के हम खा नहीं रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं। वो निगाहों से भी हमें खा रही है और हमारा सारा खाना भी खा रही है। 100 सालों की भूखी है बेचारी, तो हमारी तो नज़रें मतलब देखते ही पेट तो भर ही गया होगा बेचारे भारद्वाज परिवार का, वही हाल हमारा है। अच्छा, ये सारे सीन्स करते वक्त एंजॉय करते हैं आप लोग या फिर थोड़ा सा नर्वस रहते हैं? कैरेक्टर में होते वक्त तो वफादारी दिखाते हैं पर्दे पे, ये तो आप भी जानते हो, लेकिन है तो बड़ी मज़ेदार बात ना। और शायद यही बात इस शो की लोग पसंद भी करते हैं कि ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दिखाते हैं। बस अच्छा, यही आपको ये भी लगता है कि ये जो डायन है, पिछले डायन तो काफ़ी खूबसूरत थी आपकी? अरे ये डायन मिस इंडिया फाइनलिस्ट की है, शी इज अ ब्यूटी विद ब्रेन्स। बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा है ना कि ये डायन कुछ बॉलीवुड वाली डायन जैसी नहीं लग रही आपको? कुछ याद है ना विद्या बालन और ये डायन? देख वैसे देखा जाए तो नवरस में ही खेलेंगे ना, वैसे देखा जाए तो हर किरदार हर इमोशन को तू महाभारत के किसी कैरेक्टर से जोड़ी सकेगी, तो उसी में अगर खेलना है तो भाई मतलब किसी का एग्जांपल देने से कोई मतलब ही नहीं बचा। इट्स लाइक यू हैव टू टेक इट अन्यू एवरी टाइम इट कम्स टू यू, वरना है तो उतने ही नवरस। चलिए आज तो खाना खा रही, आगे मैं तो नहीं खा रही, देखो ना मतलब मैं ना खाऊँ तो भी चलेगा, बट मैं देख रही हूँ खाते हुए उस डायन को अभी। आप भी आइए। थैंक यू। चलो।